ओंकारेश्वर थाने के मोटक्का चौकी क्षेत्र में दो नाबालिग लड़कियों के अपहरण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 23 फरवरी को दोनों को बहला फुसलाकर अपहरण किया गया था। पुलिस ने सतत प्रयास से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ओमकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी से दो नाबालिग गरीब लड़कियों को गुमराह कर अपहरण करने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने पर चौकी प्रभारी अंजू शर्मा ने दल बल सहित कई जगह पर तलाश किया पर सफलता नहीं मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने गुजरात में भी कई जगह पर दबिश दी थी लेकिन आरोपी द्वारकापुरी क्षेत्र से पकड़ाए। पुलिस ने दोनों युवतियों को बरामद कर लिया है। डीएनए टेस्ट के बाद आरोपियों पर अपहरण सहित दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। ओमकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट। तीन लोगों को लेकर आया था यहाँ पे मेडिकल कराने के लिए, जिसमें से गोलू और जो सुरेश थे ये करीब 22-20 साल की उम्र के थे। ये 376 के अपराध में इनका लाया गया है। इनकी अपने एमएनएससी कर दी है और इनके एक व्यक्ति साथी था अनिल, ये भी मोर बेड़ी एरिया के हैं। ये भी करीब 22-21 साल का है जो इनके साथी के रूप में इनको लाया था। तो इनका भी अपने एमएनसी करके, हाँ, इनका जो दो अपराधी जो 376 के थे, गोलू सुरेश, इनका जो कुछ भी खेल सीमेंट लाइट अंडर बियर और ब्लड सैंपल डीएनए की दिए हैं।